हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मसाले वाली खिचड़ी। तो मैंने ये ले लिया है, ये देखिए चावल है, चावल भिगा दिया है हमने, ये दाल थोड़ा सा, ये मसाले लिए हैं, मसाला लिए हैं नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, हरी मिर्च, जीरा, अदरक और ये है तेज पत्ता, आलू, प्याज, लहसुन, एक है ये देखिए है दालचीनी। इसमें हम आलू गोभी मटर सारी सब्जियां डाल सकते हैं। तो अभी मैंने फिलहाल यही लिया है, टमाटर भी डालते हैं। तो अभी हमने यही सब लिया है। तो आज चलिए हम चलते हैं खिचड़ी बनाने, मसाले वाली खिचड़ी बनाएंगे। अभी अभी हम कुकर चढ़ाएंगे, उसमें डालेंगे तेल। तो ये देखिए मैंने कुकर रख लिया है, कुकर गर्म हो गया है। अब इसमें हम इसमें डालेंगे तेल। ये तेल गर्म हो गया, मैं इसमें डालूंगी जीरा, तेज पत्ता, दालचीनी, हरी मिर्च, तड़के के लिए डालूंगी। तो ये देखिए मैंने सारा ले लिया है। लाल हो गया, मैं इसमें डालूंगी अब प्याज। प्याज लाल हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे आलू, आलू भून लेंगे। इसमें सारी सब्जियां पड़ती है, मटर है, गोभी है, जितनी सारी सब्जियां आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन अभी मेरे पास यही था तो मैं अभी यही डाल रही हूँ। तो मैं अब इसमें डाल देती हूँ आलू, जो 1 मिनट के लिए भून लेंगे। ये देखिए मेरा आलू भून गया है, तो मैं इसमें डाल दूंगी दाल। ये देखिए दाल डाल दिया, हम सारे इसमें मसाले डाल देते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के पका लेंगे, थोड़ा सा पानी। अब मैं इसे ढक के रख देती हूँ, 2 मिनट के लिए पक जाएगा, तो इसमें मैं चावल डाल दूँगी। तो ये देखिए मेरे मसाले पक गए हैं खिचड़ी के, तो मैं इसमें चावल डालूँगी, इसमें चावल डालूँगी। तो ये देखिए मैं इसमें चावल डाल रही हूँ। तो ये देखिए चावल मैंने डाल दिया, अब इसमें मैं पानी भी डाल दूंगी। अब अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं, सूखा खाना है ज़्यादा तो थोड़ा पानी डालें, ज़्यादा ढीला खाना है तो पानी थोड़ा और बढ़ा के डाल दें। अब कम आंच में हम एक सीटी तक इसी तक पका देंगे, सीटी लगा देंगे। तो ये देखिए, तो ये देखिए पानी डाल दिया हमने और इसे मैं सीटी लगा दूंगी। तो ये देखिए मैंने सीटी लगा दिया है। आज भी ज़्यादा न तेज रहे न कम रहे, ज़्यादा बीच में ही रहे, 1 सीटी तक तुरंत हमें बंद कर देना है। तो आप भी बनाइए, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा है खिचड़ी, बहुत ही जल्दी बन जाएगा, बहुत ईजी भी है। इसमें सारी सब्जी आपको जो भी लेना है ले सकते हैं। ये अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारी खिचड़ी बन गई है। देखिए हमारी खिचड़ी बन के रेडी हो गई है। अब हम इसे चला के देख लेते हैं, बहुत ही अच्छी दिख रही है। आप भी देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी है, ज़्यादा सूखा भी नहीं है और ज़्यादा ढीला भी नहीं है, आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही आप भी ट्राई करें अपने घर पे, अगर अच्छा लगा हो रेसिपी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करना मत भूलें। और अगर आपको पसंद आओ तो मुझे जरूर बताएं कमेंट में कि आपको ये कैसा लगा। चलिए अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं खाने के लिए। और देखिए बहुत ही अच्छी लग रही है, आप भी ज़रूर ट्राई करें इसे एक बार, और मुझे कमेंट में बताना ना भूलें कि आपको ये कैसा लगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू वेरी